टॉप 9 में सबसे पहले बात कट्टर वॉर की करेंगे। फ्रांस में फिर कहां हुआ आतंकी हमला? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने फिर कट्टरपंथियों को दी वार्निंग। आतंकवाद पर यूएई के प्रिंस का बड़ा बयान। कट्टर वॉर से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 में। फ्रांस में कट्टरता की आग लगातार भड़क रही है। नीस में हमले के बाद लगातार 4 दिन से फ्रांस में हमले हो रहे हैं। चटायुदुन में शख्स ने मस्जिद में गैसोलीन छिड़क कर आग लगा दी। आग लगने से इमारत को नुकसान हुआ, लेकिन किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। फ्रांस में हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा के आगे फ्रांस कभी झुकने वाला नहीं है। हिंसा को कुचलने के लिए हम तैयार हैं। फ्रांस के लियोन में हुए आतंकी हमले के बाद शहर के कई हिस्सों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात का मुआयना कर सबूत इकट्ठा किए हैं। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों ने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया है। यूएई ने फ्रांस में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात कर नीस में हुए हमले की निंदा की। प्रिंस ने कहा कि हिंसा और आतंकवाद को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। फ्रांस सरकार ने गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने दुकानों और सुपरमार्केट में गैर जरूरी चीजों के बेचने पर रोक लगाने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए फ्रांस सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। कट्टरता पर तुर्की का साथ देना इमरान खान को महंगा पड़ गया है। फ्रांस में पाकिस्तानियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। फ्रांस ने कागजात पूरे होने के बावजूद 183 पाकिस्तानी को वीजा देने से इनकार कर दिया। वहीं बांग्लादेश के लोगों की भी फ्रांस में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फ्रांस पर हमला करते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर घटिया कार्टून से तकलीफ हुई है। ओवैसी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान को इस्लाम के खिलाफ वाहियात करार दिया है। कार्टून बनाए गए उससे न सिर्फ हमको बल्कि पूरे मुसलमानों को एक दिली और रूहानी तकलीफ है। तुर्की के इस्तांबुल शहर के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल की पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई। चारों ओर धुआं ही धुआं दिखा। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अस्पताल में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले अमेरिका में बड़ी धूमधाम से हैलोवीन त्योहार मनाया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कोरोना से बेफिक्र होकर लोगों ने तरह तरह की वेशभूषा पहनकर हैलोवीन त्योहार मनाया। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।